आज हमारी जो कैट है उसका नाम हम लोग ने रख चुके हैं, और हम लोग कहीं तो घूमने जाने वाले हैं, और हम लोग कहाँ पर घूमने जाने वाले हैं? अच्छी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए गाइस, आज हमारी जो कैट है उसका नाम हम लोग ने रख चुके हैं। तो इसका नाम हम लोग ने रखे हैं, हम लोगों को बहुत लोगों ने कमेंट में भी बताए थे। हाँ। तो बहुत सारे नाम हम लोगों को बताए थे, तो हम लोगों को इसके हिसाब से नाम अच्छा लगा, अना, है ना। रुक जा जरा इधर, रुक जा, एक में बहुत चुलबुली है ये। हाँ, तो इसका नाम हम लोग ने रखे है अना, है ना आसिफ। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट में कभी भी पूछना कि आपकी आना कैसी है ना। तो आज मैं इसको लेके जा रही हूँ फिर से, डॉक्टर ने आज तारीख दिया था कि लेके आना करके। तो आज मैं लेके जा रही हूँ, अभी इसको इंजेक्शन देने वाले हैं। तो देखते इंजेक्शन देंगे कि कैसा देते, पता नहीं, अभी मुझे पता नहीं क्या मुँह से पिलाते हैं, कैसा मुँह से पिलाते ना, उस दिन भी तो मुँह से ही पिलाए थे। रुक जा, रुक जा, वैक्सीन है इसकी, वैक्सीन है। फर्स्ट डोज है वैक्सीन। छोड़ दे, नीचे छोड़ दे उसको, ऐसे पास है ना। और ये ज्यादा खाती नहीं है कुछ भी, तो वो बारे में भी मैं पूछने वाली हूँ डॉक्टर को कि इसको खाने के लिए क्या देना है। कुछ खाती नहीं है, पानी बहुत कम पीती है और खाना भी बहुत कम खाती है ना। और बाथरूम वगैरह भी जा रही है बरोबर। मैंने 2-3 बार क्या की, वो एक कपड़े पे बाथरूम कर दी थी ना, तो वो कपड़ा उठा के मैंने मोरी में रख दिया। अभी उसको मोरी में उसके बाथरूम की बात आती है ना, तो वो बरोबर अभी बाथरूम में जाती है, आएगी ना तो बरोबर दरवाजा खुला रखेंगे ना, अंदर जाती है करने के लिए, बरोबर अंदर जाके 1 नंबर भी करती है, 2 नंबर भी करती है ना। अभी ये कैसे बच्ची है, अभी बच्चा है, अभी अपन अपने बच्चे को कैसे संभालते। बच्चा जब पैदा होता है तो थोड़ा सताता है, तकलीफ देता है, जब वो बड़े हो जाएगा तो फिर एक ही जगह खाएंगे, एक ही जगह बैठेंगे, फिर अपने आप उन लोग बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह सब करेंगे, है ना। तो अभी लेके जाती हूँ, फिर आने के बाद मैं बात करती हूँ। अभी हमारी मौसी एकदम खड़े पे खड़े हो गए, उनको धोना है बाथरूम और ये लादी झाड़ू, लादी और झाड़ू करना है ना। तो चलिए अभी मैं पहले सो डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, फिर मैं आगे की बात करूँगी। मुझे रेसिपी भी आज एक शूट करनी है, तो आज मैं रेसिपी में बनाने वाली हूँ। क्या बोली आज मैंने आसिफ चल को, क्या बोले थे, कौन सी थाली? आमरस। आमरस मिया भाई, आमरस थाली। हाँ। ये मैंने नाम दियो मिया भाई आमरस थाली, है ना। तो आप लोग जरूर देखना मियाँ भाई आमरस थाली कैसी होगी, है ना, आप लोगों को तभी पता चलेगा। चलो हाँ, किया है, किया है, अफरोज शेख के नाम से किया है। दो दो को धोने के बाद चले जाते हैं, लेके जा रहे थे। पहले 800 ग्राम था। हाँ? अब 740 हो गया, खाना ही नहीं खाने का, क्या हो गया, लेके आने का बोला था। हाँ, डॉक्टर ने बोले के पास। हाँ, उसका खाना ले लेते, मिला दो उसका, मिला दो। नहीं डॉक्टर नहीं बोली ना, देखती है ना, होता कुछ लोग मना ही करते हैं, वो पैदा हुई है ना तब से उसको हिलाए ले ही नहीं है। हाँ, हिला देंगे। चलो बैठो। सिर्फ उसका ना मुंह नहीं खुलाने का, बॉडी पूरा ये करने का पानी में, ठीक है। तभी कहते यार खाना देने के लिए ना, अभी उधर खाना लेने के लिए मालूम है ना। हाँ उधर है ना, हाँ ऐसा ही जाएगी। चलो ठीक है। अभी मैं खड़ा था इधर कितना टाइम, मेरे को लगा ये लेके गिर विर गया, तो मैं क्या बिल्ली जाऊंगा मार दी क्या, इसके लिए मैं वापिस आया देख ले। चलो हाँ
तो चलिए यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे अना का खाना लेने के लिए। तभी देखते हैं, वो खाना उस दिन लिए थे तो वो ख़त्म हो गया था। छोड़ दो उसको, वही ग्रेवी फूड दो ना चिकन का, किटन वाला। हाँ ये वाला, छोटा वाला पैकेट नहीं है ना, ये बड़ा नहीं आता। पांच पैकेट ले लो। पांच का कितना होता है? कितना होता है पांच का? एक कितने का है? 50 50 का है। कम नहीं करते? 50 होता है। 250 अभी आप शॉपिंग कितना कर रहे हो? 250 तो एक पैकेट उसको एक दिन चलती है ना पूरा। 300 रुपये हो गया। रख दो था, रख दो। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने हमारे अना का खाना भी ले लिए है ना। तो जो खाती है वही डॉक्टर ने बोला लो करके, बोला कुछ और मत लो। चिकन ज्यादा नहीं खिलाने का, खिलाने का नहीं, घर का चिकन नहीं खिलाने का, वो जो उसका खाना है वही खिलाने का, ग्रेवी वाला चिकन। चलो चलो चलो, रुक जा रुक जा रुक जा, मम्मी को बैठने दे पहला। चलिए अभी मैं हमारी अना को लेके घर पे आ गई और उसको डॉक्टर ने 3 दवा दिया है ना। हाँ। और जो सुबह शाम एक पिलाने का है और एक बोला है कि रोज रात को पिलाना, रोज रात को है ना। और थोड़ा उसका वजन भी कम हो गया, क्योंकि वजन क्यों कम हो गया, कुछ खा रही नहीं है अभी, जैसे कि उसकी 3 वैक्सीन भी बाकी है। हाँ। ना अभी जब हम उसको संभाल रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो उसका ध्यान भी अपने बच्चे के जैसा रखना चाहिए। बराबर। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम कोई बिल्ली कोई मतलब जो कैट को पाल रही हूँ है ना अभी, तो इसके लिए अभी उन्होंने मुझे बताया कि कैसे खिलाना है। तो उसका जो फूट है वो लेके आई मैंने, अभी उसको हाथों से हमें इस तरह से किमच लेना है, अभी किमच के उसको देंगे तो वो खाएगी। और ये हमको डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर ने बोला है ना। और ये वाला भी देते रहने का है, ये वाला भी उसके बर्तन में रखे रहने का, ये भी अपने आप खाने लग जाएगी। वो ड्राई वाला है, ये वाला, ये ड्राई है, ये ग्रेवी वाला है ना। चलिए अब हमारी अना को देते है खाना खाने के लिए। हां अभी थोड़ा खिलाते रहेंगे। लेके आए सिर्फ, देखिए तभी भाग रही थे दोस्तों। ले जाओ उधर खा। बच्ची है ना अभी, वो सवा महीने की बच्ची है ना, बच्ची इन लोग की तकलीफ नहीं है कुछ भी, इन लोग को बाथरूम बताने का, अपने आप बाथरूम करेगा। मट्टी ले लो क्या? मट्टी रखेगी किधर? इधर रख लेना, इधर इधर रख देने का, इधर पे मट्टी का बांस मारेगी ना। नहीं फेंक देने का, छन्नी मिलती उठा के फंदा फेंक देने का। मिट्टी का मत, फिर बड़ी भी होगी ना वो, उसमें करना पड़ेगा उसको फिर। तो बड़ी अभी छोटी है तो थोड़ी मिट्टी में होएगा, बड़ी होगी तो मिट्टी भी ज्यादा लगेगी फिर। तो किधर रखेगी अपने घर में? उसको बाथरूम में जाने की, अभी से हो जाएगी ना बाथरूम तो बड़े होने का बराबर जाएगी फिर वो। हाँ अकेले भी खेलती है हम लोग के साथ। तुम्हारे भाई पीछे पड़े ले, दे 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 दे, नहीं पालने का, नहीं पालने का। अच्छा है ना, मेरे को तो पालने का दिल है। आसिफ को मेरा भी है ना, है ना। हाँ अभी हम लोग अशरफ भी बोल रहा, दे दो दे दो, बाथरूम कर रही, इधर हग रही है, इधर टॉयलेट कर रही है, उठाने को। और इसके अब्बा भी चिल्ला रहे हम लोग को, दे दो दे दो, लेके तुम लोग मुसीबत पा रहे हैं। कल पूरा भरा दीजिए तो मैं साफ किया पूरा टिश्यू पेपर से उसको। और वो दूसरी जो दवा दी है ना वो हेल्दी रहेगी, इससे मतलब वजन बढ़ेगा, मोटी होगी, तब प्यारी दिखेगी वो, है ना। बाल भरेंगे,
तो अच्छी लगेगी। और तीन व्यक्ति होने के बाद ही उसको नहलाने का। हाँ अभी उसको क्लियर कर देती हूँ, अभी जाती हूँ खाना पकाने के लिए। तो चलिए गाइस, मेरी अना को मैं दवा लेकर घर पे आ गई, उसके बाद में उसका खाना भी खत्म हो गया था, तो उसका खाना भी लेकर मैं घर पे आ गई। माशाल्लाह जैसे मुझे डॉक्टर ने बताई दी कि उसको जो उसका खाना है ऐसे किमच किमच कर देना है, तो मैंने वैसे दी, तो उसने अपना खाना खा ली। हाँ, आप लोग देख लिए रहेंगे, पहले देखे रहेंगे आप लोगों ने। अभी मैं उसको जा रही हूँ दवा पिलाने के लिए, तो जैसे कि उसका तीन दवाई है, हाँ। तो एक एक करके उसको थोड़ा थोड़ा पिलाएगी जब तक का टाइम हो जाएगा, तो आराम आराम से मैं उसको पिलाऊंगी। अभी एक पिलाऊंगी, फिर उसके थोड़ी देर के बाद मैं दूसरे पिलाऊंगी, बराबर है ना। तो चलिए अभी पिलाने का, मैं यहाँ पे अपना खाना भी पका रही हूँ। अभी बज रहे हैं 6:30। जो मेरे पास में कल का रात का चावल बचा हुआ था, तो मैंने आने के साथ में इन लोगों को वो चावल का फ्राई राइस बना के दे दी। जैसे कि रात का खाना कभी बच जाता है ना गाइस, तो मैं क्या करती हूँ, अगर हमारे पास दाल नहीं रहेगी या मेरे पास में कोई भाजी नहीं रहेगी, तो मैं क्या करती हूँ, कांदा टमाटर हरी मिर्ची काट लेती हूँ, तेल गरम कर लेती हूँ, उसमें मेरे पास तो हमेशा शिमला मिर्ची और गाजर रखा हुआ रहता है, वो भी बारीक बारीक कटिंग करके, और उसका मैं थोड़ा फ्राई राइस जैसा इन लोगों को घर में बनाकर दे देती हूँ, तो ये लोग बड़े शौक से खा लेते हैं। और जैसे कि आम का सीजन चालू है, तो घर में आम भी रखा हुआ है, तो ये भी काट कर साथ में मैंने रख दी। और मैंने कुछ नहीं खाई थी, मुझे भूख नहीं लग रही थी, जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से, जैसे कि मेरे हाथ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नस की जो तकलीफ थी वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अभी दवा भी चालू है, और साथ में हाथ के जो है ना ऐसा कुछ थेरेपी जैसा देते हैं, जैसे कि इधर पर ऐसा कुछ करंट जैसा लगाते और ऐसे ऐसे स्लो स्लो होता है। अभी पता नहीं मेरा वेट बढ़ने की वजह से हो रहा है कि ज्यादा काम करने की वजह से हो रहा है, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। तो जो मुझे जो डॉक्टर दवा देते हैं, जो मैं जिनसे दवा लेती हूँ, वो डॉक्टर गए हैं 1 महीने के लिए छुट्टी पे। हाँ। और इसी की वजह से मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही है, और मैं जो डॉक्टर से अभी दवा ले रही हूँ उनकी दवा मुझे सूट नहीं हो रही, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ रहा है। तो अभी मेरे डॉक्टर शायद कभी तक आएंगे, वो 8 तारीख को आएंगे ना, 8 तारीख को माशाल्लाह वो मुझे दवा दे देते हैं ना, मैं उनकी एक खुराक ही खा लेती हूँ ना, तो मुझे आराम पड़ जाती है। बोलते ना किन किन के हाथों में बहुत शिफा होती है, बराबर, तो मुझे उनकी दवा ही लगती है। तो आप दुआ करें जब तक डॉक्टर नहीं आते, जब तक मैं अच्छी रहूँ। और हम लोग कहीं तो घूमने जाने वाले हैं, और हम लोग कहाँ पर घूमने जाने वाले हैं वो आपको कमेंट में बताना है। हाँ। है ना, बहुत ही जल्द हम लोग निकलने वाले हैं 1 तारीख के लिए, 1 तारीख के लिए है ना। तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताना कि आपकी आपा अपनी फैमिली के साथ में कहाँ पर एंजॉय करने जा रहे हैं, है ना। बराबर। तो चलिए ज्यादा नहीं पिलाने का, तो यहाँ पे अभी अम्मी हमारी अना की दवा निकाल रहे हैं, ये थोड़ी सी दवा पिलाने का डॉक्टर ने बोला, जितनी बोला उतनी इस पे लिखा है 5 ml पिलाने का, 5 नहीं 0.5 ml, 1 ml से भी कम। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके पिलाने का बोला है डॉक्टर ने ना। इधर आ अना, बिल्ली की है ना, बिल्ली के बच्चे की कुछ नहीं होगा, पी लो। तुम एंटी का आदमी है, तो ऊपर है अभी अम्मी हमारे आना को साइड से दवा पिला रहे। संभाल के अशरफ पकड़ेगा, अशरफ पकड़ दो आराम से बे चमड़ी। अबे तू तो उसकी पूरी, अबे अरे छोड़, इतना टाइम नहीं, पकड़ देगा, हल्का पकड़ाओ।
गई 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 बची है। अरे तो थोड़ा थोड़ा डालने का, एक साथ थोड़े सब डाल देंगे, अभी खुद ही बोला ना लंग्स में जाती है उसके। अरे पागल है तुम लोग, बहुत बड़े कितनी सिरप है, पहली पिला दिए पूरी। हाँ। और ये दूसरी सिरप का डोसे। हाँ तो ये पूरा पिलाने का, सिलो 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 ऐसा आलू आलू डाल देने का पूरा। हाँ तीसरी सिरप फिर सिलो पिलाने का गया अंदर गया।